में घरेलू प्रताड़ना को लेकर कोर्ट में चल रहे मामले को वापस न लाने पर 12 साल तक समाज से बहिष्कृत, हुक्का पानी बंद करने का फरमान जारी करने के आरोप में कुड़ी भक्सानी थाना पुलिस ने मंगलवार को 6 पंचों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार प्रकरण में वीरम गुरु कुमार, बालकिशन, सोहनलाल, विष्णाराम, जोधाराम, पुरखाराम कुमार को गिरफ्तार किया। उन्हें शाम को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेजने के निर्देश दिए गए। मामले की जांच एएसआई पूनम सिंह कर रहे हैं। 3 पंच व ससुराल पक्ष के 2 व्यक्तियों को पुलिस ने गत शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि बोरानाडा में वैष्णव कॉलोनी ओम चौहटा निवासी पूजा प्रजापत पत्नी ओमा राम ने 22 अक्टूबर को आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उसका मुकलावा 23 मई को ओमा राम से हुआ था। इसके बाद ससुराल वाले देश को लेकर उसे प्रचारित करने लगे, उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। पुलिस उपायुक्त के समक्ष पेश परिवाद के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला महिला थाने में दर्ज कराया गया। कुड़ी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। यह मामला वापस न लेने पर पंचों ने 4 नवंबर की रात 2 बजे पूजा और उसके पीयर पक्ष को समाज से बहिष्कृत कर हुक्का पानी बंद करने का फरमान जारी किया था। सर मैं ससुराल जाती थी। मेरी शादी 23 मई 2016 को हुई थी। उनके बावजूद भी मेरे पापा मेरे दहेज की मांग के कारण उन्होंने मेरे को मार पीट करके और मेरे पापा से जबरदस्ती दहेज की मांग की और उन्हें पापा दहेज न देने के कारण मेरे को मार पीट करके मेरे पीयर में पहुंचा दिया गया और मेरे दहेज को भी भाग तोड़ फोड़ करके उन्होंने यहाँ पे मतलब महिला थाने में लेके आ गए। महिला थाने में लेके आकर भी उन्होंने मतलब फिर भी उन्होंने मतलब घर मतलब पति से छुटकारा दिलाने के लिए मेरे को जबरदस्ती बोल रहे थे पति से छुटकारा कर ले। मैं पति से छुटकारा ना करने पर भी मैंने केस दर्ज एफआईआर दर्ज कराने के बाद उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और मैं ये पंच है मैम गिदर झालामठ की खा पंचायत है गिदर राम पप्पा राम और मीना राम ये 3 पंच है सर जो समाज को हर पंचों को इकट्ठा किया और बोले थे इसको समाज से अलग कर दो और बार बार परेशान किया उन्होंने और वे बोले कोर्ट कचहरी क्या है ये सब हम ही है। तो मेरे पापा ने महिला थाने में तो एफआईआर दर्ज कराने के बाद जो ये समझिश नहीं की और ये पंच हर घर में और हर लड़की को ये आर्थिक स्थिति दिलवाना चाहते हैं और महीने में एक बार ये 1 तारीख को लड़के ये किसी भी तारीख ले लेते हैं और लड़कियों के घर बर्बाद करते हैं और घर में कुछ ना होने के आर्थिक स्थिति में वो ये तो सोना चांदी बेच के या अपना घर प्रॉपर्टी बेच के लड़कियों का आर्थिक दंड देते हैं और घर का छुटपला दिलाते हैं इनका मानना है। और मेरे पापा के पापा बहुत परेशान हो गए थे इसलिए तो हमने ये केस और एफआईआर दर्ज कराई थी और पापा के पास कुछ ना होने के कारण मेरे पापा ने ससुराल भेजा तो सारा मतलब प्रॉपर्टी भी बेची थी और मेरे को मांग पूरी की उस टाइम तो और अब मेरे पापा के पास कुछ नहीं होने के कारण हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं और खा पंचों ने 12 साल के लिए मेरे पापा को अलग कर दिया और बोले 20 लाख है तो अंदर आ जाओ आप। और ये पंच है खा पंच है जो 1 से 22 जो मेरे पापा को बार बार परेशान कर रहे हैं और ये पंच हर महीने में पंचायती बैठा रहे मोरों की प्यू में पूजा प्रजापत और पिता का नाम उदराम जी। ससुराल कहाँ था आपका? ससुराल नीमला था। और मैं सर ये चाहती हूँ कि कठिन से कठिन कठोर से कठोर और कार्रवाई की जाए इनके प्रति पंचों के प्रति। 2017 में मेरी माँ की पूजा मेरे पास आई और कहा कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे दहेज के लिए निकाल दिया है और अब पंचायत वाले हमारे खा पंचायत प्रजापत समाज जलामन पंचायत वाले हमें परेशान कर रहे हैं। तो मैंने उन सबको लेकर के एक कमिश्नर के लिए एक एप्लीकेशन लिख करके पूजा को दी। उस कमिश्नर के कमिश्नर ने इस एप्लीकेशन को अनुसंधान के लिए महिला पुलिस थाना पश्चिम में भेजा जहाँ पर वहीं भीलवाड़ा की सहारा